ये सर भाई पहाड़ी पे चढ़ते हुए तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम लोग चल रहे हैं बालाजी। तो अभी आए हैं, CMS पहुँचे हुए हैं। तो अभी यहाँ से ट्रेन है भाई 5:30 बजे की। अभी यहाँ से भी जाएंगे ट्रेन में। तो गाइस मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं हम लोग, तो इसी बहाने आप लोगों को भी दर्शन करा देंगे। ये CMS स्कूल है, तो बालाजी के दर्शन करने हो तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। गाइस तो स्टेशन पहुँच चुके हैं हैदराबाद। ये देखिए स्टेशन है पूरा, ये देखिए सारे मंडली, ये कार। पहुंच गए हैं कानपुर। कानपुर में ये गंगा जी हैं। ये देखिए पूरा रात में दिख रहा है भाई, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। देखिए पूरा एकदम लाइट लाइट, यहाँ पे ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं सामने जाम लगा है। बाहर दिख रहे हैं पहाड़, तो लग रहा है राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। तो देखिए कितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है। ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही है, सुबह भी हो गई है, तो हम लोग शायद पहुंचने वाले हैं बांदीकुई जंक्शन। तो गाइस दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन। जंक्शन में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से बालाजी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी चलते हैं आगे। ये स्टेशन है पूरा, तो ये है स्टेशन। देखो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इस साइड से अंदर से ऊपर से, मतलब कि इस साइड से जाके बाहर जाना है। ये पूरा खाली खाली है सुबह। तो अभी हम लोग, ये देखो आधे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और देखो ट्रॉली बैग खींच रहे हैं। तो चलते हैं आगे कुछ खाते पीते हैं। दोस्तों बालाजी मंदिर पहुँचने वाले हैं अभी, आगे चलते हुए। नहीं भैया अभी अभी नहीं चाहिए, अभी जा रहे हैं। ये देखिए सारी दुकानें अभी रोड रोड जा रहे हैं गाइस। अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप मंदिर पहुंचने वाले हैं अभी। स्टेशन भी कोई भी तुम वाहन करोगे तो वहाँ से सिर्फ चौराहे तक ही छोड़ता है। उसके आगे मान चलिए 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है मंदिर तक। और यहाँ से देखिए पूरी शॉप से स्टार्ट है। और ये देखिए दीदी जा रही हैं बैग खींचते हुए, ये देखिए मस्ती में जा रहे हैं। और यहाँ से शॉप से स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए सारे, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रखा है, अभी शायद 7-8 बजे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से शॉप्स हैं, यहाँ पे अभी से काफ़ी लोग जा रहे हैं। और सुबह सुबह से भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी आस्था है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बालाजी महाराज का जन्मदिन है एक दिन बाद, मतलब परसों। तो यहाँ पे इसलिए साफ़ सफाई हो रही है और सजावट भी की जा रही है। तो ये मिठाई की दुकानें हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कपड़े बिकते हैं, जो राजस्थानी या कल्चर या अदर कल्चर के भी हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों ये मंदिर है, पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा मंदिर है। हाँ पहुँच चुके हैं मंदिर, ये बड़ी 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 दुकानें हैं भाई। मंदिर पहले से बहुत अच्छा बन गया है, अब मंदिर पहले बहुत चेंज हो गया है भाई 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 भाई। अभी आगे और चलते हैं, अभी दिखाते हैं, अभी रूम लेने जा रहे हैं गाइस। मंदिर काफ़ी चेंज हो गया पहले से भाई। ये लाइन लगी है, देखो ये लाइन लगी हुई है। पीछे वाला ही मंदिर है, वो लाइन देखो भाई कितनी लंबी लगी, इतनी लंबी लाइन लगी है ना दोस्तों, बहुत लंबी लाइन है। ये रही पीछे लाइन ही लाइन है पूरा, ये गार्ड वाले लगे हैं। मंदिर सजावट का काम जारी है काफ़ी तेज़ी से, और बर्थडे मनाया जाएगा बजरंगबली बाबा को। ये सारे शॉप्स हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है जो बालाजी महाराज को चढ़ता है। यहाँ पे स्पेशल प्रसाद होता है, एक अर्जी होती है, मैं आप बात को दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे ये सारे शॉप्स हैं, यहाँ पे एक लाइन से शॉप्स है। और ये देखिए भीड़ काफ़ी आस्था है यहाँ पे लोगों की।
और यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, इसीलिए यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी। देखिए दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से लंबी लंबी लाइनें लगें, अब एक दो घंटे लगेंगे तो आपको दर्शन मिलेंगे। लेकिन ये फ़िलहाल अभी आजकल में थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि मंदिर में यहाँ पे मतलब कि बर्थडे है, तो इस वजह से भीड़ लग रही है। तो इसके अभी हम लोग अभी लास्ट तक जाएंगे, आगे रूम लेंगे वहाँ पे, तो रूम में चलेंगे फिर आके दर्शन करेंगे। तो अभी ये देखिए लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक साइड से आपको शॉप्स दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे सुंदर सुंदर सजी हुई हैं, यहाँ पे सारा सामान मिलता है। और यहाँ पे ये देखिए फोटोज़, माला और जो भी, ये देखिए जल के लिए लाइन लगी, जो पवित्र जल होता है उसके लिए लाइन लगी है। तो ये देखिए भाई, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, आप देख सकते हैं। तो हम लोग भी जल्द से जल्द नहा धो के आते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर आगे चलते हैं गाइस। तो देखते हैं आगे क्या है। लाइन यहाँ तक लगी, देखिए यहाँ तक लाइन लगी। ये देखिए धर्मशालाएं यहाँ से अभी रूम में पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए रूम आ गया हमारा, ये रूम अब यहाँ पे करेंगे मौज गाइस। तो फिर अभी चलेंगे दर्शन करने, अभी फुल मौज है, अभी दिखाते हैं आगे क्या क्या होगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहे, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अभी जब में क्या करना है, बाय। तो ये बाहर का नज़ारा है, ये देखें पीछे पहाड़ है, पहाड़ वो रहा पहाड़, देखो पहाड़। भाई मज़े आ रहे हैं यहाँ पे भाई, बढ़िया मौसम है, कूलर चल रहा है भाई। ये सीन, पीछे पहाड़ वहाड़ भी घूमना है, अभी खाटू श्याम भी घूमना जाके दोस्तों। अभी चलते हैं, समझ गए। भाई अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, अभी लाइन लगना है, अभी सुबह सुबह उठे हैं, अभी टाइम हो रहा है कितना हो रहा, 8:05 टाइमिंग। भाई लेंगे सबसे पहले प्रसाद चल के देखते हैं। तो ये मैंने लिया अर्जी का प्रसाद, और भाई हमने ले लिया प्रसाद, अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। कल खाटू से हम गए थे वहाँ से भाई, बहुत थक गए, रात में आए 1 बजे, अब आए भाई मंदिर। अब सुबह हो गई है, 8 बज गए हैं, अब यहाँ से चलेंगे मंदिर। एंट्री यहाँ से अंकल जी, मंदिर की मंदिर अब जा रहे हैं भाई, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, चलते हैं यहाँ से आगे, आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं। भाई ये मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है, देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है। और गाइस आपकी यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लाइनें। तो यहाँ पे हम लोग भी चल रहे हैं, ये देखिए अंदर का मंदिर, ये देखिए भाई आपको लाइव दर्शन कराते हैं, ये देखिए लाइव दर्शन कीजिए बालाजी महाराज के। ये देखिए भाई बालाजी महाराज सामने आपको देख रहे हैं, तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी बोल दीजिएगा कमेंट में, जय श्री राम। भाई प्रसाद चढ़ा के हम वापस आ गए, ये देखिए बाहर जा रहे हैं कि हम रोड पे खड़े हैं, रोड से देखिए सामने गेट लगा, वो देखो सामने यहाँ से भी मंदिर दिखता है अंदर, जो बालाजी के दर्शन कराए आपको यहाँ से भी दिखते हैं, ये देखिए सामने से। तो यहाँ से रोड पे यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से देख सकते हो आप। तो हम आ गए यहाँ, इसके जस्ट अपोजिट में कृष्ण, राधा कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हवन चल रहा है, ये राम श्री राम की मूर्ति है, ये देखिए। और आगे ये देखिए पूरा भाई एकदम प्यारा प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर है यहाँ पे लग रहा है मंदिर। और ये सारा यहाँ हवन पूजा चल रही है, ये देखिए पूरा मंदिर का इंटीरियर। और बाहर फिर आ गए गाइस, तो ये देखिए बाहर जल यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे अमृत समान तुल्य जो भी जल है यहाँ पे मिलता है, इसलिए यहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है उसके लिए। तो गाइस यहाँ पे लाइन लगा के हमने जल ले लिया। तो गाइस यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं, जैसे इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास रहता है, तो यहाँ से भाग जाते हैं सब बालाजी के दर्शन करने से। मंदिर से निकलने के बाद सीधा हम आए पहाड़ी वाले बाबा, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं गाइस, ये देखिए पहाड़ी पीछे देखिए बहुत ऊंची थी, अभी चलते हुए आगे आगे चल रहे हैं। अभी सामने ऊँचा पहाड़ है, ऊँट घोड़ा आपको दिखाते हैं, ये पहाड़ी पर चढ़ते हुए हम, ये देखिए पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, वो देखो सब पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, सब लोग आते हुए ऊपर जाते हुए। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है गाइस, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मेहनत लग रही है पहाड़।
पहाड़ बहुत सारे, ये लोग भूखे हैं, भूखे पेट चढ़ रहे हैं पहाड़ी। भाई बाहर का यहाँ से देखो व्यू देखो भाई क्या मसला, सब घर छोटे छोटे दिख रहे हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है तो हम इस पे चढ़ रहे हैं गाइस। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर बस थोड़ी गर्मी कम होती तो और मज़ा आता भाई, पानी पी पी के हाल बहुत बेहाल है। और यहाँ पे देखिए शॉप्स पूरी लगा रखे भाई, ये देख गन्ने का जूस हर जगह भाई, पहाड़ पर तुम्हें गन्ने का जूस लस्सी कुछ भी हर चीज़ मिलेगी भाई। पहाड़ी पर चढ़ते हुए दौड़ते हुए आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, मांग क्यों डर लगता भाई, आ जाओ भाई, पहाड़ी बहुत ऊंची है, हमें दौड़ते हुए भाई फाइनली एक पहाड़ी पे पहुंचे, एक मंदिर पे पहुंच गए, अभी आगे देखते हैं कितनी पहाड़ी है। भाई पहाड़ी ख़त्म नहीं हो रही, हालत पतली हो गई भाई, पानी भी पतली हो रखी है, हालत पतली हो रखी है, बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बहुत खतरनाक सीन चल रहा है दोस्तों, ये देखो एनर्जी डाउन रखी है सबकी। दोस्तों ये सबसे ऊंची पहाड़ी पे सबसे ऊपर मंदिर है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग पहुँच नहीं पाते हैं भाई, क्योंकि इतने चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। देखिए सारे मंदिर हैं, यहाँ पे दुकानें भी सारी लगी हुई हैं, ये देखिए पूरा बाहर का नज़ारा इतना बढ़िया दिख रहा है, आप समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं भाई, इमेजिन कर सकते हैं। देखिए भाई सब छोटा छोटा बिल्डिंग दिख रहा है नीचे, ये देखिए पूरा मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे भीड़ भी आई हुई है। ये देखिए मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है सारी, यहाँ पे बन जाते हैं बालाजी के दर्शन से, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं गाइस। तो ये भी मैं वो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ से आपको एक पहाड़ी कम्प्लीट हो गई है सक्सेसफुली, अब उतर रहे हैं, अभी 7 पहाड़ी और चढ़नी है, पूरी वहाँ चलते हैं गाइस, थोड़ा खा पी लें उसके बाद चलते हैं, बने रहिए। बालाजी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं ट्रेन से, अब जाते हुए लखनऊ, जो अपने कोच में आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, ये देखो सूबी है, सूबी